एक मिनट तुम ऐसा हो जाओ थोड़ा बाजू सर। ईसीजी मशीन लावले जेणेकरून पेशंटला प्रवासामध्ये अशा गोष्टीची गरज पडली तर त्याची व्यवस्था निश्चितपणे केली जाईल आणि सुसज्जाची ॲम्ब्युलन्स घाटी रुग्णालयाला मिळाल्यामुळं गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजला मिळाल्यामुळं निश्चित आमच्या आरोग्याच्या सुविधेमध्ये भर पडली आणि याचा नक्की फायदा हॉस्पिटलला होणार आहे। साहब आप सर 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 एक हिंदी में सर एक हिंदी में सर एक हिंदी हाँ सर आज जो आपने एम्बुलेंस दी है कार्डियक वैन यहाँ पर औरंगाबाद शहर में अभी तक किसी ने दी नहीं है आपने आगे बढ़कर यह योगदान हासिल किया है तो क्या कहेंगे सर आप कोरोना के मरीज भी अभी शहर में कम हो चुके हैं तो किस लिए काम आएगी ये एम्बुलेंस। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने कोविड के लिए हमको 1 करोड़ रुपये खर्च करने की इजाज़त दी थी उसमें से बाकी सब चीज़ बहुत सारे आंदोलन दिए थे लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ये शहर को कार्डिक एम्बुलेंस की ज़रूरत है। ये कार्डिक एम्बुलेंस का मतलब होता है कि पेशेंट को सेफली ऑक्सीजन हो या तो उसका ईसीजी निकालना हो या तो उसको वेंटिलेटर लगाना हो ये सब चीज़ें वो एम्बुलेंस पे है। उसके साथ एक डॉक्टर भी रहेगा एक नर्स भी रहेगी और पेशेंट को थोड़ा सुविधा होगी। नहीं तो अपने पास एम्बुलेंस तो बहुत सारी है लेकिन उसके अंदर कोई सुविधा नहीं रहती। मैं पहली बार ही कोशिश किया कि अपने शहर की जो जनता है अब कोविड की महामारी आई है इसके आगे और क्या आएगा पता नहीं लेकिन ये सब चीज़ों से बचने के लिए मेरे इस शहर के नागरिकों को कुछ सुविधा मैं दे सकता इसका मेरे को आज आनंद है। इसके बाद और कुछ दी जाने वाली सर एम्बुलेंस? नहीं अच्छा तो आणखी मैं एम्बुलेंस देणार आहे। मी आज पहिल्यांदा आपल्या शहरामध्ये मुख्यमंत्र्यांचं आभार मानतो त्यांनी जी आम्हाला 1 करोड़ रुपये खर्च करण्याची परवानगी दिली त्याच्यात मी या शहरामध्ये 3 कार्डिक ॲम्ब्युलन्स आता या आज आज पहिल्याच लोकार्पण घाटीला केलेलं आहे 2 ॲम्ब्युलन्स या 4-5 दिवसात येतील या ॲम्ब्युलन्स